राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की जब से हत्या हुई है, तब से मानो राजस्थान में अपराध जगत में और भी ज्यादा बाढ़ सी आ गई। हालांकि पुलिस बहुत मुस्तैद है, इन बदमाशों को पकड़ रही है। चाहे वो पपला गुजर गैंगस्टर के बदमाश हो जो लादेन को मारने के लिए जा रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, या फिर राजू ठेहट के हत्यारे हो, उन सभी को पुलिस पकड़ पकड़ कर जेल के अंदर डाल रही है। कहने का मतलब साफ है कि अब राजस्थान के अंदर जिस तरह से आपराधिक खबरें ज्यादा निकल कर सामने आ रही हैं, ठीक वैसे पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद भी हो चुकी है। अब लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला गैंगस्टरनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो ठीक ठीक अनुराधा चौधरी, जो कि 35 साल की लेडी डॉन है, उसके नक्शे कदम पर चलती दिखाई दे रही है। पुलिस ने उसे, रामनगरी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, राजस्थान की 20 साल की बताई जा रही है। लेकिन जब आप उसके कारनामों को सुनेंगे तो आप भी वाकई में हैरत में पड़ जाएंगे कि रेखा मीणा, जिस लड़की का नाम बताया जा रहा है, जब ये 19 साल की, यानी कि आज से ठीक ठीक एक साल पहले हमने तब भी खबर बताई थी इसके बारे में, तब ये पहली बार चर्चा में आई थी, सोशल मीडिया पर अपने आप को डॉन बताती थी, और इसका जो देखा जाए, इसकी जो तुलना हमने की थी वो लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से उस वक्त भी की थी, और कहीं ना कहीं अनुराधा चौधरी के पदचिन्हों पर चलते हुए यह दिखाई दे रही है। तो आखिर कौन है ये रेखा मीणा, इसने ऐसा क्या अपराध किया है, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जो ये गैंगस्टर की दुनिया में या फिर जराइम की दुनिया में एंट्री मार रही है, बताएंगे आपको विस्तार से, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजू ठेहट के केस के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, राजू ठेहट के केस के अपडेट में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले सुबह भी आपको बताया था कि दो आरोपी और गिरफ्तार हुए थे, अलवर के रहने वाले थे दोनों, और इन दोनों की गिरफ्तारी को अगर जोड़ा जाए तो कुल 11 आरोपी राजू ठेहट के मामले में अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, और इन सब से कड़ाई से सख्ती से पूछताछ की जा रही है, और उम्मीद ये भी की जा रही है कि बहुत जल्दी ही ये बदमाश रोहित गुदारा का पता ठिकाना पुलिस को जल्दी बता दें। फिलहाल राजू ठेहट के केस में यही अपडेट देखने को मिल रहा है, लेकिन साफ तौर से जो 20 साल की लेडी डॉन, जिसका नाम रेखा मीणा बताया जा रहा है, इसे रामनगरिया पुलिस ने राजस्थान के गिरफ्तार किया है। 29 नवंबर को एक गोली कांड में इसका नाम सामने आया था, और कहा जा रहा है इस लेडी डॉन ने एक 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को गोली मार दी थी, और उस वक्त जब गोली ये मार रही थी तो दो साथी इसके और थे, जिसके नाम आंसू और गणेश बताए जा रहे हैं, और बाद में पीड़ित छात्र ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई, तो और पुलिस ने इसके खिलाफ एक सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद वो महिला पकड़ी गई। अब इस महिला के बारे में आप विस्तार से सुनिए। दरअसल कहा जा रहा है राजस्थान के करौली के तोड़ा भीम नंगला के इलाके की रहने वाली है। जयपुर के जगतपुरा इलाके से इसने पढ़ाई लिखाई की है। 19 साल की उम्र में इसने सबसे पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखा, और सोशल मीडिया पर आकर लाइव गुंडाई किया करती थी, लोगों को गाली दिया करती थी। आप इसे तब देखेंगे सोशल मीडिया पर, इसके पुराने वीडियो देखेंगे, हम तो यहाँ पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये करती है कि आप शर्मा जाएंगे इसकी भाषा को देखकर। तो 13,000 फॉलोअर इसके हैं सोशल मीडिया पर। हो सकता है कई सारे लोग ये कहते हैं कि रेखा मीणा सोशल मीडिया वाली डॉन है, लेकिन जब अब इसका नया कांड सामने आया है, गोली कांड, जब एक छात्र को इसने गोली मार दी है, तो अब ये सोशल मीडिया से निकलकर जराइम की दुनिया वाली गैंगस्टरनी बनती हुई दिखाई दे रही है। और मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आज के मौजूदा वक्त में गैंगस्टर आनंद पाल की मौत के बाद आनंद पाल के गैंग को ऑपरेट कर रही है, ठीक उसी तरह से ये भी किसी बड़े गैंग की तलाश में थी, और किसी बड़े गैंगस्टर के साथ जुड़ के राजस्थान में अपना वर्चस्व, अपना टेरर कायम करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस लेडी डॉन रेखा मीणा के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्पोर्ट्स बाइक की बहुत बड़ी शौकीन है, ये स्पोर्ट्स बाइक चलाती है और सोशल मीडिया पर उसके वीडियो भी पोस्ट करती है, और इसका जब एक साल पहले नाम सबसे पहले सुर्खियों में आया था तो दो गैंगस्टर थे राजस्थान के करौली के, इन दोनों गैंगस्टरों के बीच में इसने गैंग वॉर करवाया था, और कहा गया था कि सोशल मीडिया पर ये लाइव आकर उस समय एक गैंगस्टर को खुलेआम गालियां दे रही थी। तो फिलहाल उस समय भी ये गिरफ्तार हुई थी, उस समय तो जमानत पर छूट गई थी क्योंकि कोई छोटा मोटा केस था, लेकिन इस बार जो गिरफ्तार हुई है ये एक गोलीकांड के मामले में गिरफ्तार हुई है, तो हत्या की कोशिश का मुकदमा इसके ऊपर लगाया जाएगा। इसके जो दो साथी हैं आंसू और गणेश, कहा जा रहा है कि जो गोली मारी थी इसने, जो इसके साथ अवैध कट्टा था, वो गणेश नामक अपराधी के पास है। तो फिलहाल पुलिस उन बदमाशों को खोज रही है, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि राजस्थान के अंदर एक 20 साल की लड़की, जो कि 20 साल की उम्र कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने की होती है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि पुरुष अगर होते हैं तो उनके बारे में कोई आश्चर्यजनक बातें नहीं होती है कि भाई गैंगस्टर की दुनिया में या फिर जराइम की दुनिया में वो आ गई, लेकिन एक महिला जब 19-20 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में आती है और बिना किसी वजह के
केवल अपने आप को चमकाने के लिए, अपने अपना टेरर पैदा करने के लिए, अपना खौफ पैदा करने के लिए। तो वाकई में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसे लोग समाज में रहने लायक हैं भी या नहीं, या इनको समाज में रहने देना चाहिए, या फिर इनकी असली जगह जो जहाँ पर अब जा रही हैं असली जगह इनकी वही है। तो फिलहाल रेखा मीणा के बारे में कमेंट करके बताइए, बाकी और इनके बारे में डिटेल निकाल कर पता करके हम बहुत जल्दी आपसे इनके बारे में विस्तार से वीडियो बताएंगे। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेखा मीणा के बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं तो आप भी शेयर कीजिएगा, वैसे इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।